अगली खबर में बात करते हैं सागर की, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर सागर की रहली विधानसभा क्षेत्र के 5 मील में आदिवासी जनजाति समाज का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के PWD मंत्री गोपाल भार्गव शामिल हुए। मंत्री भार्गव ने सम्मेलन में आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि 24,000 शासकीय पदों पर आदिवासी समाज के बेटा और बेटियों की भर्ती 1 वर्ष में की जाएगी। आप अपने अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य करें, नौकरी दिलाने का काम मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी बेटी कक्षा 12वीं पास करेगी उनको नौकरी दिलाने का कार्य मैं करूंगा। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, इसके लिए रहली में CM राइज स्कूल शुरू किया गया है जिसमें निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आदिवासी बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। जनजाति वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार विदेश तक में निःशुल्क पढ़ाई कराने के लिए संकल्पित है। यह मेरा संकल्प है कि आपको कभी भी कर्जदार चौकीदार नहीं बनने देंगे, इसके लिए जो भी होगा वह किया जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने 1,00,000 पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है, जिसमें से 24,000 पदों पर मात्र आदिवासी बेटा बेटियों की नियुक्ति होगी। जनजाति समाज के लोगों ने जंगलों में रहकर तपस्या की और देश के लिए बलिदान दिया। अब समय आ गया है कि आपकी संस्कृति और आपको सम्मानित किया जाए। इस दौरान आदिवासी समाज के संग्रहालय का ग्राम कर्ता में लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही मंत्री भार्गव ने कहा कि 2006 के पूर्व जिन भाइयों के पट्टे थे उनको स्थायी मालिकाना हक दिया जा रहा है। इस दौरान आदिवासी समाज के धीरज सिंह, पन्नालाल, कमल सिंह, राजेश शाह, गौरव सिरोठिया, राजेन जरौलिया, अभिषेक भार्गव, कलेक्टर दीपक आर, अनुविभागीय अधिकारी गोविंद दुबे, तहसीलदार संदीप तिवारी समेत बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोग मौजूद थे।